आज के युग में जिस तरह से इंटरनेट जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, उसी तरह से उसकी सुरक्षा भी। आज कंप्यूटर हमारी एक व्यक्तिगत डायरी की तरह है, जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें हम हिफाजत से रखना चाहते हैं। लेकिन वायरस अटैक इंटरनेट को हैंग करने में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत कागजातों तक भी पहुँच बनाने में समर्थ रहता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले वायरस या वर्म ने आज ही के दिन वर्ष 1988 में अमेरिका के अनेकों इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स पर हमला किया था? द मॉरिस वर्म के नाम से जाना गया ये वायरस MIT यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र रॉबर्ट मॉरिस द्वारा भेजा गया था। मॉरिस का इरादा इंटरनेट को संक्रमित करने का नहीं, बल्कि अधिक से अधिक सिस्टम में पहुँच बनाने का था। लेकिन मॉरिस को इस बात का शायद ही अंदाजा हो कि उनके इस नासमझ कदम ने अमेरिका की वेब की दुनिया में उथल पुथल मचा दी थी। 2 नवंबर को भेजे गए इस वर्म में एक बग निकला जिसकी मॉरिस को भी खबर नहीं थी। इस बग ने जल्दी कई सिस्टम्स को संक्रमित कर दिया। वर्म खुद की कॉपीज बनाता गया। जल्दी ही सारे सिस्टम्स या तो क्रैश हो गए या उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। इसका कोई समाधान न दिखने पर लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया। अगले ही दिन बर्कली और पर्डू की टीम्स ने वर्म के फैलाव पर नियंत्रण किया। इसी समय में मॉरिस ने भी एक मैसेज भेजा जिसमें वर्म को मारने की विधि लिखी थी। लेकिन क्योंकि सारे अधिकतर लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन काट रखा था, तो ये कम ही लोगों के लिए मददगार साबित हुआ। कुछ ही दिनों बाद स्थिति संभल गई और वर्म को सिस्टम से निकाल दिया गया। लेकिन मॉरिस की इस गलती की वजह से 6000 से ज्यादा कंप्यूटर्स प्रभावित हुए और सिस्टम डाउन टाइम और मरम्मत में तकरीबन $15 मिलियन का खर्चा हुआ। इस वर्म की शिकार सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि नासा, मिलिट्री और कई यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स भी बने। Well, it spread very quickly. There are reports in newspapers today that it has made its way to Europe and to Australia. It arrived at MIT in the middle of the night. The students were safe. Their computers weren't. Just ran. It would enter your machine, it would do its thing, it would go to other machines. At MIT, 200 computers were infected. Across the country, the toll might be 6,000. It could have been worse. We believe it was intended to spread more slowly than it did, so that it wouldn't be noticed as quickly, which would actually have been more insidious if it spread out to a large number of machines and, say, held a surprise and did something. Mark Eichen, student and part-time virus hunter. Once we had it stopped, we were able to take it apart, sort of like dissect it and tear it apart piece by piece. मॉरिस को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और उस पर कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। मॉरिस वर्म के परिणाम स्वरूप भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नवंबर 1988 में डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने CERT कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया। और दोस्तों, CERT आज इंटरनेट संबंधी समस्याओं का प्रमुख रिपोर्टिंग सेंटर है।
भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ, आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ, दिल को चुराना नींदे उड़ाना, दिल को चुराना नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर, वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। अब भी एक ऐसा इंसान है जिसे हम बादशाह बुलाते हैं और वो तमाम दिलों पर राज करता है। उसका वर्चस्व सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनके नाम का ही मतलब है एक बादशाह का चेहरा, और प्यार से इन्हें किंग खान और डॉन बुलाया जाता है। हमें पता है कि इस समय कई श्रोताओं के चेहरों पर एक मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। टीवी सीरियल फौजी से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले आज वो निसंदेह बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। उनका नाम SRK आज एक ब्रांड बन चुका है। एक नॉन फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले शाहरुख ने इतना लंबा सफर सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से तय किया है। शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 में राजधानी दिल्ली में हुआ था। शाहरुख के बॉलीवुड में प्रवेश करने से पहले ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनको इस बात का हमेशा दुख रहा कि उनके माता पिता उनकी सफलता नहीं देख पाए। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन करने के बाद वो एक्टिंग में अपना करियर जमाने के लिए बॉम्बे रवाना हो गए। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत 1988 में टीवी सीरियल फौजी और सर्कस से की। 1992 में उन्हें दीवाना फिल्म से बॉलीवुड में ब्रेक मिला। अपनी शुरू की फिल्मों जैसे डर, बाजीगर और अंजाम में वो नेगेटिव भूमिका में दिखे। मैं क्या करता, मैं बहुत बहुत मजबूर था ना। मैं देखो सुनी, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, ये मरे हुए को क्या मारोगे, बहुत जख्म खाए हैं मैंने, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुनील, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो जनता के दिलों में राजा बने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में रोमांटिक बॉय की भूमिका निभाकर उसके बाद वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते गए। इन फिल्मों की कमर्शियल सफलता की वजह से उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि मिल गई। हमें यहाँ से भागना ही होगा राज, हमें यहाँ से भागना ही होगा। नहीं सिमरन, मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर या चुरा कर ले जाने नहीं आया हूँ। भले ही मेरी पैदाइश इंग्लैंड में हुई हो, पर हूँ मैं हिंदुस्तानी। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। लेकिन सिर्फ जनता ही नहीं, उन्होंने स्वदेश और चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में अभिनय करके आलोचकों से भी खूब प्रशंसा बटोरी। दोस्तों, शाहरुख एक अदाकार होने के साथ साथ एक कुशल व्यापारी भी हैं। मोशन पिक्चर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के वो को चेयरमैन हैं और IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर भी हैं। लेकिन शायद ये बात कम लोगों को पता होगी कि वो सच्चे दिल से समाज की सेवा भी करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कुरान में लिखा है कि सेवा अगर किसी वजह से या किसी फल की इच्छा से की जाए तो वो सेवा नहीं है। नियमित रूप से NGOs में डोनेशन देने के अलावा शाहरुख ने नानावटी हॉस्पिटल में कैंसर और एड्स से पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड स्थापित करवाया। वो पल्स पोलियो के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और सन 2004 में आए सुनामी के पीड़ितों के लिए
उन्होंने हेल्प नामक टेलीथॉन कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, जिसके द्वारा उन्होंने 2.5 मिलियन रुपयों की राशि बटोरी। सन 2008 में बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने द रॉक ऑन फॉर ह्यूमैनिटी कॉन्सर्ट में भाग लेकर 30 मिलियन रुपए जमा किए। उन्होंने ऐसे कई अनगिनत समाज सेवी कार्यों में भाग लिया है। इससे सिर्फ यही पता चलता है दोस्तों कि शाहरुख सिर्फ रुपहले पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक अच्छे और दिलेर इंसान है। शाहरुख के नाम असीमित पुरस्कार और सम्मान दर्ज हैं। उनकी विश्व भर में करोड़ों से भी अधिक लोगों की फैन फॉलोइंग है। सन 2011 में लॉस एंजलिस टाइम्स ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बुलाया था और सन 2008 में न्यूज वीक ने उनका नाम दुनिया के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। इंग्लैंड के मैडम तुसॉड म्यूजियम में उनका मोम से बना पुतला रखा हुआ है। उन्हें अपने अभिनय के लिए अभी तक 15 फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आज किंग खान के बर्थडे पर चलिए हम और आप मिलकर उन्हें उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हैं। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। दोस्तों, लोग ईश्वर और धर्म को क्यों मानते हैं? दरअसल ईश्वर की साधारण सी परिभाषा है कि प्रकृति का जो आयाम मानवता की समझ में नहीं आता है, उसे ईश्वर की देन समझा जाता है। जो मानव के वश में नहीं हो, वो ईश्वरीय देन कहा जाता है। विश्व की सभ्यता की शुरुआत में मानव जब चांद और सूरज को दूर पृथ्वी से देखता था, तो वो उसके लिए एक अजूबा था। वो उसकी उत्पत्ति, उसके विकास, उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस अवश्य करता था, अतः वो इन्हें ईश्वरीय देन समझता था। कई धर्मों में सूर्य को देवता का स्थान दिया गया है। खगोल के ये रहस्यमय पिंड जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते थे, उन्हें मानव पूजने लगा, जिसका क्रमिक विकास धर्म के रूप में सामने आया। आज भी कुछ लोग राशिफल में विश्वास करते हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, इन खगोलिक पिंडों का अध्ययन किया जाने लगा। इनकी उत्पत्ति, पृथ्वी से दूरी, इनका प्रभाव इत्यादि की जानकारी को वैज्ञानिक दुनिया के सामने लाने लगे। इस विज्ञान के अध्ययन की अलग शाखा बन गई, जिसे खगोलिक विज्ञान कहा जाने लगा। आज हम इसी खगोलिक विज्ञान के विद्वान हार्लो शेपली का जिक्र कर रहे हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 2 नवंबर 1885 को अमेरिका के नैशविल में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि हमारा सूर्य आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के मध्य में है, न कि केंद्र में, जैसे कि पहले की प्रचलित मान्यता थी। इन्होंने गणना की कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हेनरी रसेल द्वारा खोजे सिद्धांत के आधार पर शेपली ने 1911 में सितारों के आकार प्रकार जानने के लिए प्रयोग किए। इस परिमाप या डायमेंशन के निर्धारण के लिए उन्होंने युग्म या बाइनरी तारों से उत्पन्न प्रकाश के आधार पर गणना की। जब ये युग्म तारे एक दूसरे को छिपाते थे, तब उनसे निकलने वाले प्रकाश के पृथ्वी तक पहुँचने के समय की गणना कर उनकी दूरी निर्धारित की। इसके अलावा एक तारा जब दूसरे तारे को जितनी देर तक छिपाता था, उस समय के आधार पर उसके आकार प्रकार की गणना की जाती है। उनके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत लगभग 30 वर्षों तक मान्य रहा। खगोल विज्ञान में शेपली ने एक अन्य महत्वपूर्ण खोज की, जिसे सेफिड वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। सेफिड आकाशगंगा के चमकदार सितारे होते हैं, जिनका प्रकाश
पल्सेशन विधि से कम या ज्यादा होता रहता है। इस प्रक्रिया में इन सितारों में रहने वाली हीलियम गैस गर्म होने पर सितारे की पारदर्शिता बंद कर देती है और ठंडा होने पर ये प्रक्रिया उलट जाती है और सितारों का प्रकाश बाहर आने लगता है। 1914 में शेपली ने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में 60 इंच वृत्त वाली दूरबीन से आकाशगंगा में तारों के समूह का अध्ययन किया। ये तारा समूह अलग अलग घनत्व और संख्या वाले होते हैं। ये तारे प्रकाश की गति, प्रकाश की चमक कम या ज्यादा होने की आवृत्ति के आधार पर पृथ्वी से दूरी की सही गणना देते हैं। उन्होंने अपनी आकाशगंगा के अलावा पड़ोसी आकाशगंगा का भी अध्ययन किया। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात ये है कि इतना बड़ा खगोलविद एक धार्मिक व्यक्ति भी था। शेपली के नाम से कई तारों का नाम रखा गया। आज उनके जन्मदिन पर इस महान खगोलविद को विनम्र श्रद्धांजलि। अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिनकी बदौलत हम घर बैठे उनके निर्मित स्पीकर्स में इस तरह की क्वालिटी का ऑडियो सुन सकते हैं जिस तरह की हम लाइव परफॉर्मेंस में सुनते हैं। आज हम बात करेंगे साउंड की दुनिया में क्रांति लाने वाले बोस स्पीकर्स के निर्माता अमर गोपाल बोस की। जहाँ की एक आम इंसान बड़ी बड़ी बातें ही करता रह जाता है, वहाँ एक जीनियस बातें न करके अपने कर्मों से दुनिया में बदलाव लाता है। ऐसा ही कुछ किया MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र अमर बोस ने। शास्त्रीय संगीत के प्रशंसक बोस एक दिन अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर स्पीकर में संगीत सुन रहे थे, जब उन्हें आभास हुआ कि स्पीकर कितनी बेकार क्वालिटी की ध्वनि दे रहा है। बिना इस बात की किसी से आलोचना करते हुए उन्होंने बेहतर साउंड क्वालिटी का स्पीकर बनाने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने 1964 में US मिलिट्री के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट में हाई पावर एम्पलीफायर्स बनाए। फिर उन्होंने 1968 में घर के इस्तेमाल के लिए 901 डायरेक्ट या रिफ्लेक्टिंग लाउड स्पीकर सिस्टम बनाए। ये साउंड सिस्टम कुछ ही दिनों में लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए और इनकी मांग दिन ब दिन बढ़ती चली गई। Go beyond the borders of what we know now. I set up a few policies that were pretty unusual at that time, and they had an effect on the company. One was that there would be no retirement age. The only two conditions, if you want to work and if you can work. And that was policy 1964. That was almost unheard of at that time. 1972 में बोस ने लाइव परफॉर्मेंस देने वाले संगीतकारों के लिए प्रोफेशनल लाउड स्पीकर्स बनाए। उनके द्वारा निर्मित छोटे से आकार के अकूस्टी मास स्पीकर ने इस धारणा को अवैध साबित कर दिया कि स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी उनके आकार से तय होती है। तब जो कंपनी 1964 में एक मुट्ठी भर लोगों द्वारा खोली गई थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। आज लाइव रिकॉर्डिंग जैसे ऑडियो क्वालिटी को घरों तक पहुँचाने के लिए हम अमर बोस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने इतिहास में दुनिया भर की क्रांतियों के बारे में पढ़ा भी है और क्रांतिकारियों की वीरता को सराहा भी है, लेकिन क्या जिनके खिलाफ क्रांति छेड़ी गई, उस सियासत का हर इंसान गलत था? कुछ तो यकीनन गलत थे, लेकिन कुछ गलतफहमी के शिकार थे। आज फ्रेंच रेवोल्यूशन को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक माना जाता है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो इस क्रांति की प्रेरकों में से एक बनी। आज जन्मदिन है फ्रांस के साम्राज्य की आखिरी महारानी मैरी एंटोनेट का।
मैरी एंटोनेट पर कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया है कि 18वीं सदी में फ्रांस की दरिद्रता और निर्बलता की वजह उनकी फिजूल खर्ची और विरागी जीवन शैली थी। वहीं नेपोलियन सहित कई लोग मानते हैं कि ये जिंदा दिल और खुश मिजाज रानी सिर्फ तकदीर के हाथों एक बलि का बकरा बनकर रह गई थी। मैरी का जन्म 2 नवंबर 1755 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। वो सम्राट फ्रांसिस फर्स्ट की सबसे छोटी संतान थी। दोस्तों, वो सिर्फ 14 साल की ही थी जब उनकी शादी फ्रांस के सम्राट लुई 15 के पोते और साम्राज्य के उत्तराधिकारी 15 वर्षीय लुई अगस्त से हुई। ये विवाह हैब्सबर्ग और बर्बन की ऐतिहासिक दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने का एक समझौता था। शानो शौकत में पली बड़ी मैरी को कभी पैसों की कमी नहीं हुई। ये भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने खुद के लिए हीरे की कान की बालियां खरीदी जिनकी कीमत एक राजमहल की कीमत के बराबर थी। She was an ordinary human being in extraordinary circumstances. Her destiny was to be married to the King of France at a most crucial moment in France's history and to be blamed for a great many of the ills, but out of it she did forge a completely different character. लेकिन ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि उन्होंने जनता की दरिद्र अवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया। नाजो में पली बड़ी मैरी ने, जिसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी गई, दुनिया की कड़वी सच्चाई देखी ही नहीं थी। इसे उनकी अज्ञानता भी कह सकते हैं, लेकिन जब जब उन्हें मौका मिलता था वो व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। लेकिन खाद्य की कमी से सती हुई, करों के बोझ से लदी हुई जनता को अब राजतंत्र रास नहीं आ रहा था। वो अब लोकतंत्र की मांग में थे और उनको सम्राट लुई और रानी मैरी के खिलाफ जंग छेड़ने की असली चिंगारी तब मिली जब मैरी एक ठग द्वारा ठगी का शिकार बन गई। लेकिन कार्डिनल को इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस तरह जीन ने मैरी के नाम पर कार्डिनल से राजसी खजाने का पैसा निकलवाया और ये कह के कि वो धीरे धीरे किश्तों में पैसा चुका देंगी, उनसे एक हीरो का बेशकीमती हार भी खरीदवाया। उस हार को जीन ने लंदन में बेच दिया। जब कार्डिनल रसीद लेकर मैरी के पास पहुँचे और पता चला कि ना तो उन्हें उनका कभी कोई पत्र मिला और ना उन्होंने कोई पत्र लिखा, तब जाकर जीन का भांडा फूट गया। कार्डिनल की बेवकूफी पर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन इस घटना की असली सच्चाई लोगों तक न पहुंच पाई और पहले से ही फिजूल खर्च करार की गई मैरी की और बदनामी हो गई। इसके बाद राजा के शासन के खिलाफ देश भर में नारे लगाए गए। मैरी पर उनके व्यक्तिगत खर्चों की वजह से देश को वित्तीय घाटा होने के कई आरोप लगाए गए। उन्हें जनता ने मैडम डेफिसिट के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। जनता के आक्रोश की वजह से लुई कमजोर पड़ गए। हालांकि लुई का शासन बरकरार था, लेकिन उनके हाथ में सत्ता अब न के बराबर थी। उनसे ज्यादा शक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथों में थी और उन्हीं के दबाव के कारण लुई ने ऑस्ट्रिया पर जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन जब आवाम को पता चला कि लुई और मैरी गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया से मिले हुए थे, तो वो हथियार लेकर पूरे परिवार को खत्म करने पहुंच गए। वो वहां से भाग तो निकले, लेकिन असेंबली ने पूरे परिवार को पेरिस के एक वर्जित किले में बंदी कर लिया। कुछ समय बाद लुई को मृत्युदंड सुनाया गया और 16 अक्टूबर 1793 में मैरी का सर काटकर उन्हें दंड दिया गया। आज इस अभाग्य रानी के अच्छे कर्मों को याद करते हुए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों, आज के बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो बबीता आज चलती है, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में।
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह